गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए सियासी मिसाइलें तो प्रधानमंत्री ने तान दी, लेकिन परिवारवाद पर वाकई अब बीजेपी क्या बोलेगी सर? चुन चुन कर उनके नेता जो परिवार से ही उपजे हुए हैं, उनको आप लोग तमाम राज्यों में गले से लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश। आपकी कोशिश रहती है कि वो आपकी पार्टी में आ जाए, फिर उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, और आप परिवारवाद पर घेर रहे हैं उनको देश की संसद में। गौरव जी, देखिए इस भाग में अंजना जी, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता नाराज हो गई कि मैंने उनकी बात का उत्तर अपने जो प्रथम बात बोली उसमें नहीं दिया, इस बार दूंगा। लेकिन आपने क्योंकि परिवारवाद की बात पे भी कहा है, तो पहले उस पे और फिर उनकी कुछ बातों पे तथ्यों से उत्तर दूंगा, जनता देखे कि कितनी दोगली कितनी खोखली है कांग्रेस पार्टी। देखिए परिवारवाद ये होता है अंजना जी, 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बना, और अगर डमी प्राइम मिनिस्टर जो फाइलें भिजवाते थे या लेके जाते थे पता नहीं है, उसको भी जोड़ दे तो 55 में 48 साल। दो मौके आए भारतीय जनता पार्टी को, देश को दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक बार श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी और फिर नरेंद्र मोदी जी। क्या हमने एक परिवार के सदस्य को दिया? नहीं दिया। अब आते हैं अध्यक्ष पे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको दीमक की तरह परिवारवाद खा गया है, और ये इनका अंदरूनी मामला है। पिछले 23 साल में केवल और केवल गांधी परिवार का व्यक्ति ही अध्यक्ष बना है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आगे बनेंगे, फिर हो सकता है कि उनके ही खानदान से कोई बने। लेकिन इन्हीं 23 सालों में हमने कुशाभाई ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी, जना कृष्ण मूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, एलके अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, कोई भी एक परिवार से नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हमारे यहाँ मेहनत करके, कर्मठता से, ईमानदारी से आप कुछ बन सकते हैं, और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। मेरे पास कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट है जिन प्रदेशों में चुनाव है। परिवारवाद की आप देखिए कोई सीमा ही नहीं है। पहले नंबर पे सोनिया गांधी है जो कैंपेन पे जाती ही नहीं है, लेकिन उनका जनसिद्ध अधिकार है। दूसरे पे राहुल गांधी है, नहीं मनमोहन सिंह जी है। तीसरे पे राहुल गांधी और चौथे पे प्रियंका वाड्रा, मतलब चार लोगों में तीन लोग गांधी परिवार के, 75% रिजर्वेशन तो यहाँ पे भी है। अब मैं आता हूं जो बातें सुप्रिया श्रीदेव जी उठा रही थी। इन्होंने कहा कि महंगाई की जो दर है वो बढ़ रही है, उस पर बात नहीं हुई, कल गुस्सा हो रही थी, आज प्रधानमंत्री जी ने बताया, और ये आंकड़े हैं और मैं आंकड़े रख दूं। महंगाई की दर 2009 में 12% के आसपास थी, 2010 में 10% थी, 2011 में 9.5% थी, 2012 में 10% थी, 2013 में 9.4% थी। अब हमारे टाइम के मैं बता देता हूँ, 2017 में 3.6, 2018 में 3.4, 2019 में 4.7, और 2020 में जब कोविड आ गया था तो भी 6.1 फर्क देखा आपने। और अगर इनका फॉर्मूला जो ये कल आपके चैनल पे बता रही थी वो लगा दे कि नेट डिफरेंस बिटवीन जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन, हाँ। तो चार साल ऐसे हैं, पांच साल बल्कि, जब माइनस की ग्रोथ हुई है 2008 से लेके 2013 तक। दूसरी बात इन्होंने महिलाओं की करी, तो मेरे हाथ में एनसीआरबी आंकड़े हैं। एक मिनट अंजना जी, एक ही मिनट लूंगा। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, महिला सम्मान की बात आप मत करा करिए। 5,997 बलात्कार के मामले हुए हैं उत्तर प्रदेश से, 6 गुना ज्यादा, जो अपराध की दर है वो 6 गुना ज्यादा है, चेक कर लीजिएगा डेटा, उसके बाद बात करिएगा। और तीसरी बात बेरोजगारी की, ये डेटा है लेटेस्ट, ठीक है, राजस्थान में सुप्रिया श्रीदेव जी को दिखाइए, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, दोनों बातों पर आपका जवाब। एक तो वो कह रहे हैं जो शीर्षस्थ पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे पार्टी अध्यक्ष का हो, वो एक ही परिवार से कभी वो नहीं देते हैं, ये उनका उस पर जवाब है। दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर वो आंकड़े गिना रहे हैं, आपका डबल डिजिट में और उनका सिंगल डिजिट। मैं पहले तो परिवारवाद पर बोल दूंगी, और बोलना इसलिए जरूरी है कि मुझे भाजपा का कोई भी प्रवक्ता, प्रधानमंत्री खुद बता दे कि इनके यहां भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ है। हमारे यहां जो भी बना है वो चुनाव से बना है, पहली बात।
और परिवारवाद में प्रजातंत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, आपके नाम पर वोट पड़ता है, कभी आप हारते हैं कभी आप जीतते हैं, लेकिन हाँ हम उन्हीं के चेहरों पर लड़ते हैं। ये हमारा अपना मामला है, वोटर और हमारे बीच की बात है। वोटर ने इसीलिए 70 साल हमारी सरकार लाई, आपको नहीं लाए। परिवारवाद की बात कर रहे थे। एक बात मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी इसका जिक्र किया था और मोदी जी ने भी इस पर काफी कुछ बोला आज सदन में। कश्मीरी पंडितों का इनको बहुत मलाल रहता है, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। एक बात बताइएगा, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था 1990 में, तब वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। समर्थन वापस लिया था क्या? नहीं लिया था, क्योंकि सत्ता की लोलुपता ऐसी थी कि बने रहना था। खैर वो छोड़िए, महंगाई की बात ये लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगाई का म नहीं समझते। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस की बात नहीं है, मैंने बोला ना, चाय पत्ती का दाम तक तिगुना कर दिया, आटे का दाम तिगुना कर दिया, बेसन का तिगुना कर दिया, कच्चे तेल जिसको पकौड़ा तलते हैं उसका 200 के पार है। थोड़ी सी बात इसलिए कहनी जरूरी है, ग्रोथ रेट हमारा 8.3% था कोरोना काल के पहले 2016 में। तुगलकी फरमान आया नोटबंदी का, गब्बर सिंह टैक्स आया, बिना सोचे समझे हुए लागू हो गया, ग्रोथ रेट 3.7 पर गिर गया। ये तो कोरोना के पहले की बात है, कोरोना के पहले ही 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई। तो आपको अर्थव्यवस्था संभालना नहीं आया, ये देश संभालना नहीं आया, चाहे वो चीन हो चाहे वो आपसी सौहार्द हो। और मैं फिर से कहूंगी, वो डिस्गस्टिंग वीडियो आप कर्नाटक का देख लीजिए और फिर लगता है कि क्या बच्चों को अब हम ये सिखाएंगे, क्या स्कूल कॉलेजेस में ये होगा। वो अलग डिबेट है कि कंट्रोवर्सी क्यों है, कैसे है, अलग बातें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की बात आप मत किया करिए। कुलदीप सिंह सेंगर आप ही के एमएलए थे ना, ऋतु सिंह का चीरहरण आप ही के लोगों ने किया था ना लखीमपुर में, आप महिलाओं की बात करेंगे? अरे जबान कट के गिर जानी चाहिए जब आप श्रमिकों की बात करते हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला था कि एक भी श्रमिक सड़क पर नहीं है, 4 घंटे की नोटिस पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया था, पैदल मरने के लिए मजबूर कर दिया था चिलचिलाती धूप में, उनके पैरों के छाले गवाही देते हैं आपके पाप की। तो आप श्रमिकों की, औरतों की, बेरोजगारों की, किसानों की बात मत करिए।